हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वाला चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया था। ठीक है, अब अपने चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं फिफ्थ। ठीक है स्टूडेंट, सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो आगे भी आपके काम आएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर किसके बारे में है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। ठीक है, तो इसके बारे में ये चैप्टर है अलजेब्रिक के बारे में। अब आपको थोड़ी सी बेसिक चीजें मैं बता रहा हूँ, फिर अपने एक्सरसाइज शुरू करेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वेरिएबल क्या होता है एंड कॉन्स्टेंट क्या होता है। ठीक है, वेरिएबल वेरिएबल क्या होता है? एंड कॉन्स्टेंट क्या होता है? ठीक है, तो ये एक्स वाई जेड टी, यानी जो सिंबल होते हैं ए बी सी डी वाले या एक्स वाई जेड वाले, उनको बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। ये बेसिक सब आप नोट कर लेना। और कॉन्स्टेंट होते हैं न्यूमेरिकल नंबर्स, जैसे 1, 2, 3, ये काउंटिंग नंबर होते हैं कॉन्स्टेंट, और इनको बोला जाता है वेरिएबल। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? अगर इन दोनों को मिला के प्लस माइनस में लिखें, जैसे ऐसे 2x + 3y या 2x² + t, ऐसे ठीक है, स्क्वेयर पावर जितनी मर्जी हो सकती है, ध्यान रखना। इनको बोला जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या बोला जाता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और ये जो होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, इनको बोला जाता है टर्म्स। क्या बोला जाता है? टर्म्स। अब ये लाइक और अनलाइक टर्म्स कौन कौन से होते हैं? लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म कौन से होते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास मैं ये 5-6 टर्म लिख रहा हूँ, जैसे x² y 5y² अब देखिए इसमें आपको मुझे बताना है लाइक टर्म कौन कौन से हैं और अनलाइक टर्म कौन कौन से हैं। जो आपको सेम दिखते हैं एक्स क्यू, उसके साथ कॉन्स्टेंट कुछ भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये देखो x, और देखिए जैसे ये है 3x 4x² 4y². अब देखो कौन कौन से सेम है, क्या ये दोनों लाइक है? 3x और x, क्यों? बिकॉज x की पावर 1 है, यहाँ पे ये x की पावर 1 है, तो ये दोनों लाइक है, और ये दोनों भी क्या है? लाइक है। ठीक है, बट ये दोनों अनलाइक है, क्योंकि ये दोनों सेम नहीं दिख रहे आपको। क्या नहीं दिख रहे? सेम। और इसका लाइक टर्म कौन सा होगा बताओ? कोई भी नहीं है। इसका लाइक टर्म कौन सा है? ये वाला, बिकॉज y की पावर जो है वो सेम है। क्या है? सेम है, इसलिए ये क्या है? लाइक टर्म है। ठीक है स्टूडेंट, तो लाइक और अनलाइक पता लग गया आपको। अब देखो कोफिशिएंट क्या होते हैं, मैं आपको बता दूं सीधा, ये एक्स के साथ जो कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है उसको बोला जाता है कोफिशिएंट। यानी एक्स का कोफिशिएंट क्या है? 2। वाई का कोफिशिएंट क्या है? 3। तो ये होते हैं स्टूडेंट कोफिशिएंट। क्या होते हैं? कोफिशिएंट। अब आपको बताऊं मैं
मोनोमियर, बाइनोमियर और ट्राइनोमियर ये क्या होते हैं? मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल ये क्या होते हैं स्टूडेंट? अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ओनली सिंगल डिजिट आती है, सिंगल वेरिएबल आता है या उसके साथ कॉन्स्टेंट कुछ मर्जी हो, ठीक है, प्लस माइनस में कुछ भी नहीं आता उसके साथ, यानी दो टर्म नहीं ओनली सिंगल टर्म हो, तो उसको बोला जाता है मोनोमियल। अगर इसके साथ दो टर्म आ जाए, इसके साथ टू टर्म आ जाए, तो उसको बोला जाता है बाइनोमियल। और अगर कभी तीन टर्म आ जाते हैं तो उसको बोला जाता है क्या? ट्राइनोमियल, ठीक है। तो ये देखो, इसमें एक ही टर्म है, देखो इसमें भी एक टर्म है, इसमें भी एक टर्म है, ठीक है। इसमें प्लस माइनस में दो टर्म है, इसमें भी दो टर्म है, इसमें थ्री टर्म है, इसमें भी थ्री है, तो ये ट्राइनोमियल। तो अगर वन टर्म होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में उसको बोलते हैं मोनोमियल, अगर टू टर्म होते हैं तो उसको बोलते हैं बाइनोमियल, और अगर थ्री टर्म होते हैं तो उसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको, अब मैं शुरू करवा रहा हूं एक्सरसाइज का क्वेश्चन, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, ऐड करना है फर्स्ट क्वेश्चन में आपको, जो सिमिलर होते हैं वो सिमिलर में ऐड होते हैं, ठीक है। और जो जैसे लाइक जो है वो लाइक में ऐड होंगे, और जो अनलाइक है वो ऐड नहीं होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट देखो, ऐड अपने को दिया हुआ है 8x² + 1 + 3x² - 2, ठीक है। इन दोनों को प्लस करके दिखाना, बिल्कुल इजी सा है, ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू ऐड होती है। ये x² 8 बार है, यानी 8x² है, और ये 3x² है, तो 8 और 3 कितने हो जाएंगे स्टूडेंट? 11x², और ये 1 है प्लस का, ये माइनस का 2 है। तो पहले इसका ब्रैकेट सॉल्व कर लीजिए, ये 8x² + 1 + 3x² + -, 8x² और 3x² कितने हो गए? 11x² + 1 है, माइनस का 2 है, तो क्या आएगा? माइनस का 1। कर ऐड ही रहे हैं बट माइनस की डिजिट आने की वजह से वो क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। क्या हो गया स्टूडेंट? नेगेटिव। नेक्स्ट देखो, बी yx - yz कॉमा है, वहां प्लस लगाना है, क्यों? क्योंकि उसने ऐड बोला है। zy - zx, और नेक्स्ट है xz - xy, ठीक है। तो इनको ऐड कर दो, तो अगर आगे पीछे है, एक चीज ध्यान रखना, ए बी हो या बी ए हो, एक ही बात होती है, ध्यान रखना, ठीक है। जैसे 2 × 3 भी कितना आता है? 6। 3 × 2 भी कितना आता है? 6। एक ही बात होती है। तो अगर एक ही डिजिट एक बार प्लस में हो, एक बार माइनस में हो, तो वो आपस में कट हो जाती है। सिमिलरली ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो ये भी कट हो जाएगी। ये माइनस में है, ये प्लस में है, ये भी क्या हो जाएगी? कट। तो कुछ भी नहीं बचा, इसलिए इसका जो आंसर आएगा वो जीरो आएगा। क्या आएगा स्टूडेंट? जीरो। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, थर्ड
थर्ड क्वेश्चन आपको खुद करना है, फोर्थ भी खुद करना है। इस फर्स्ट के थर्ड का और फोर्थ का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। स्टूडेंट इसका ई करवा रहा हूं मैं आपको, फर्स्ट का ई, ठीक है। तो क्या है बताओ, 3L² mn, 3L² mn माइनस Lm² n, ठीक है। कॉमा है वहां पे लगा दो प्लस 2Lm² n, ठीक है, और प्लस Lm² प्लस, आगे माइनस वाला साइन आता है इसलिए ब्रैकेट में लिखेंगे 3Lm² प्लस 2L²mn, इसको आपको ऐड करके दिखाना है, ठीक है स्टूडेंट। तो कैसे ऐड करेंगे देखो, ये वाला पहले ओपन कर लो अच्छे से, 3L²mn Lm²n 2Lm²n Lm², ये प्लस माइनस माइनस Lm², और प्लस 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 2L²mn। अब L²mn कहाँ है देखो, L की पावर 2 है, m और n है, कहाँ पे है ये रहा। ये 3 है और ये 2 है, तो टोटल कितना हो गया 5, क्लियर। 3 और 2 कितना हो गया टोटल 5, तो 3L²mn एंड 2L²mn इक्वल टू 5 हो गया। और Lm²n देखो कहा है, ये रहा माइनस का है और ये प्लस का है, 2Lm²n में से 1 चला जाएगा, इसके आगे कुछ नहीं होता तो 1 होता है, 2 में से 1 गया प्लस का 1, ठीक है। Lm²n² 1 है, इसके आगे कुछ नहीं होता तो 1 है, और ये माइनस का 3 है, तो माइनस का 3 प्लस का 1 कितना बचेगा 2Lm², ठीक है स्टूडेंट, ये इसका आंसर आएगा, क्लियर है। इस तरीके से आपको ये करके दिखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका, अब सेकंड क्वेश्चन में आपको सब्ट्रैक्ट करना है, क्या करना है स्टूडेंट, सब्ट्रैक्ट माइनस करना है, ठीक है, डिफरेंस निकालना है। तो कैसे करेंगे, देखो ए अपने को दे रखा है सेकंड का, माइनस करते तो साइन चेंज हो जाते हैं, ध्यान रखना, माइनस का 5x³ प्लस का x माइनस का 11 माइनस 6x³ प्लस x²-2x, बस ये फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन समझ आ गया तो बाकी सारे अपने आप आ जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन से बेस्ड है सारी एक्सरसाइज। अब इसमें से माइनस करना है आपको, तो क्या करो, शुरू वाले ब्रैकेट को ओपन कर देंगे वैसे का वैसे आएगा, बाद वाले ब्रैकेट के साइन चेंज होते हैं, ये माइनस का हो जाएगा 6x³, ये प्लस माइनस माइनस का हो जाएगा x², ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 2x, माइनस अब लाइक वाले देखो x³ कहाँ है, ये दोनों है, माइनस का 5 और माइनस के 6 कितने हो जाएंगे 11x³, प्लस का x और प्लस का 2x कितने हो जाएंगे 3x, माइनस का 11 कॉन्स्टेंट कुछ पड़ा नहीं, ये वैसे का वैसे, और ये माइनस का x², माइनस के x² को आगे लिख दो,
ये वाला माइनस का एक्स क्यूब कुछ है नहीं, तो यहाँ लिख दो, क्योंकि पहले पावर थ्री आती है फिर टू आती है, इससे लिखोगे तो सही लगेगा, बाकी वैसे भी आप लिख सकते हो। टू एक्स और एक्स कितना हो गया 3x एंड माइनस 11, ये इसका आंसर है। अगर कोई लाइक टर्म अपने पास नहीं है तो वो वैसे के वैसे ही लिख दिए जाते हैं। क्लियर है? सेम आपको लिखने की मतलब ऐड या माइनस में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। नेक्स्ट देखो इसका इसका बी का आंसर आप करके दिखाइएगा, बी सी डी मैं कराऊंगा। क्योंकि सारे क्वेश्चन करवाएंगे तो सिलेबस आपको पता ही है। डी देखिए 11AB माइनस 2BC माइनस 5CA प्लस 12ABC, इसमें से सब्ट्रैक्ट करके दिखाना है 5AB 5BC एंड माइनस का 7AC। ठीक है, ये सब्ट्रैक्ट करके दिखाना है। तो क्या आएगा स्टूडेंट, देखो ये वाला ब्रैकेट तो ओपन कर दो सीधा का सीधा, शुरू वाला ब्रैकेट वैसे का वैसे लिख दिया जाता है, ये वाले साइन चेंज कर दो, ये प्लस का था तो माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो देखो AB वाले टर्म देखो, ये AB वाले कहीं नजर आ रहे हैं, ये रहा 5AB 11AB में से 5AB का कितना बचेगा 6AB। BC वाले देखो, ये रहा माइनस 2BC माइनस 5BC, तो माइनस 2 और माइनस 5 टोटल कितने हो जाएंगे 7BC। CA वाले देखो, ये रहा प्लस का 7AC और माइनस का 5CA, एक ही बात है AC और CA, 7AC में से 5AC गया 2AC एंड प्लस का 12ABC वाला टर्म नहीं था तो वैसे का वैसे लिख दिया। क्लियर है? ये इसका आंसर है स्टूडेंट। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही है, आपको करके दिखाना है, कोई प्रॉब्लम आए तो जरूर पूछिएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में फर्स्ट और सेकंड को मिला के दिया हुआ है, ट्राई जरूर करें। ठीक है, फोर्थ में ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन पूछेंगे तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा आपको, तो बाकी क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।